ओके तो सिलेबस, इन योर सिलेबस दिस टाइप ऑफ क्वेरीज आर नॉट देयर, बट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है. ये मैंने एक्सरसाइज लिया था नेट पे से, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है. तो सिलेबस में नहीं है तो भी हम लोग ट्राई, वी विल ट्राई, आई विल फाइंड फॉर दिस. ओके, इसके लिए मैं देखती हूँ कुछ इजी वे में अगर है तो. ओके ठीक है, चलो. यस, व्हाट इज द क्वेरी? राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विद द सेम सैलरी. Yes, sorry students. Sorry. Okay. Yes, what is the query? Write SQL query to fetch the list of employees with the same salary. With the same salary. Now you can tell what will be the query. Write SQL query to fetch the list of employees with the same salary. Okay. क्या करना है हमको? जो employees का salary same है ना, वैसे हमको table में से record return करवाना है. एक ही table है. ओके, वी वांट ओनली वन टेबल, वर्कर टेबल ही हमको लगेगा. वो टेबल में जितने एम्प्लॉइज उनका सेम सैल, जितने भी एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वैसे हमको रिटर्न करवाना है. तो हाउ यू विल राइट दी क्वेरी? थिंक अबाउट इट. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज. टू फेच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज विद द सेम सैलरी. तो क्या लॉजिक लिखोगे? इसको छोड़ो, पहले पहले आप अपना लॉजिक मुझे बताओ. व्हाट यू विल राइट, देन वी विल ट्राई दिस. ये तो हम लोग ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं. यस, मैं ऑडिबल ना. हाँ ओके, चलो. सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर. उससे मैक्सिमम सैलरी अरुण डिस्प्ले होगा, ठीक है. जिसका सैलरी मैक्सिमम वो डिस्प्ले होगा. हमको क्या चाहिए, क्या क्वेरी है? टू फेच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज विद द सेम सैलरी. सेम सैलरी, ओके. जितने भी एम्प्लॉइज उसमें सेम सैलरी. फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर वर्कर टेबल, ठीक है. ये वर्कर टेबल, उसमें वर्कर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है, डेट है एंड डिपार्टमेंट है. तो जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है ना, वो हमको रिटर्न करना चाहिए. ओके, जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है. तो यहाँ पे सैलरी सेम है नहीं, तो मैं कर देती हूँ सेम सैलरी, सैलरी वाला रखो. इंसर्ट इंसर्ट. तब तक आप सोचो कि आप लोग क्या क्वेरीज लिखोगे उसके लिए. सिलेक्ट इनटू टेबल, सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज. ओके, तो फर्स्ट इज आईडी, सेकंड इज एफ नेम. चलो मैंने डाल दिया अपना. ओके, देन लास्ट नेम, देन सैलरी. ओके, सैलरी ना मैं सेम डाल देती हूँ, 5 5. जो अरुण का है वही मैं डाल देती हूँ. ओके, बिकॉज हमको सेम सैलरी वाले रिकॉर्ड्स रिटर्न करवाना है. जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है, वर्कर्स का सैलरी सेम है ना, वो हमको रिटर्न करवाना है, ठीक है. ज्वाइनिंग डेट भी डाल दिया मैंने, एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी आई टी डाल देती हूँ. ओके, नाउ शो द रिकॉर्ड, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम. नाउ अभी क्या चाहिए मुझे कि जो रिकॉर्ड्स और जो वर्कर, जिन जो वर्कर का सैलरी सेम है ना, वैसे रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है. व्हाट आई वांट टू रिटर्न कि एम्प्लॉइज की वो सैलरी आर सेम, जिसका सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न करवाना है. तो क्या लिखोगे आप लोग बताओ मुझे, विच क्वेरी यू विल राइट. ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई. ट्राई करते करते हम लोग करेक्ट क्वेरी वी विल फाइंड. यस बताओ, चलो. एनीवन हैज एनी आइडिया कि हाउ वी कैन राइट द क्वेरी? सिलेक्ट करना है जिसका सैलरी सेम है, जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स हमको रिटर्न करवाना है. तो कोई ट्राई करेगा,
Yes. Anil, Arun, Kohinoor, Nitin, Eshad. Anyone can try. Yes, Rinki, Habiba, Sarfraz, Siddiqui, Tariq. Yes, anyone can try. Kohinoor, try karoge? Yes. मैं ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके 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 चलो। यस ओके ओके नो आइडिया किसी को? ठीक है तो हम इसमें क्या लिखा है दैट वी विल ट्राई। यस कोई दे रहा है? कौन सा क्वेरी? ओके इरशाद, no idea, surprise, okay, कोई बात नहीं। इरशाद हमको ऐसे सपोज सी इरशाद, वी हैव दी वन टेबल, ठीक है, वर्कर करके हमारे पास टेबल है, तो हमको ये टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड्स मतलब ऐसे वर्कर्स डिस्प्ले करना है कि जिनका सैलरी सेम है, जितने भी वर्कर्स है ना उनका सैलरी सेम है उतना हमको रिटर्न करवाना है। तो इन दिस टेबल अरुण एंड भाग्यश्री ये दोनों का सैलरी सेम है तो दोनों रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना चाहिए, जिसका सैलरी सेम है उतना रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना चाहिए। इरशाद ये क्वेरी चाहिए मुझे, इसके लिए मुझे आंसर चाहिए। ओके चलो नहीं तो हम लोग इसमें जो है वही ट्राई करते हैं। तीनों ने क्या लिखा है इन दिस क्वेरी? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ओके डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, ठीक है चलो। डब्ल्यू डॉट वर्कर आई डी, वॉट इज डब्ल्यू? तो डब्ल्यू आपको सर लगेगा व्हाट इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने वर्कर टेबल का जो पीछे क्रिएट करते थे, ये सिंटैक्स है ठीक है। तो डब्ल्यू डॉट वर्कर आई डी, डब्ल्यू डॉट फर्स्ट नेम, डब्ल्यू डॉट सैलरी, ओके फ्रॉम फ्रॉम वर्कर डब्ल्यू, ठीक है। वर्कर एक टेबल है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है डब्ल्यू, वर्कर टेबल वही सेम टेबल का हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया है डब्ल्यू वन, वेर W dot salary equals to W1 dot salary, मतलब वही टेबल में दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट का उन्होंने सैलरी कंपेयर करवाया, ओके एंड दोनों टेबल का जो आईडी है वो सेम नहीं होना चाहिए, वैसे उन्होंने क्वेरी लिखा है। तो कैन वी ट्राई दिस? चलो तो ये ट्राई करते हैं, दिस इज न्यू, ठीक है ये न्यू है। यस दिस इज आउट ऑफ सिलेबस बट एज अ नॉलेज यू शुड नो कि यस ऐसे टाइप का भी क्वेरी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई विल नॉट आस्क इन द एमसीक्यू एंड प्रैक्टिकल्स बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट वी कैन ट्राई एज अ नॉलेज वी शुड नो कि यस ऐसा क्वेरीज हम लोग लिख सकते हैं। यस इरशाद ने एक आंसर दिया है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी नॉट इन, ओके इरशाद ये ट्राई करते हैं हम लोग, बट ये आप मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करवा रहे हैं ना, आपको मैक्सिमम नहीं चाहिए, जिसका दो सेम मतलब जितने भी वर्कर्स का सेम सैलरी हमको रिटर्न करवाना है, ओके हाँ तो ये नहीं होगा बिकॉज यू आर ट्राइविंग द मैक्सिमम ना, ये मैक्सिमम नहीं नॉट इन यूज किया हो, ओके ट्राई करना है चलो तो हम लोग ट्राई करते हैं। ओके सिलेक्ट मैक्स सैलरी है ना हमारा टेबल में, ओके फ्रॉम टेबल नेम वर्कर, ओके देन वेयर एस ए एल वेयर सैलरी नॉट इन, ओके नहीं है इसमें सैलरी मैक्स फ्रॉम वर्कर, सैलरी मैक्सिमम सैलरी सैलरी फ्रॉम वर्कर, ओके तो वन एरर दे शोन क्या है? सैलरी सिलेक्ट हुआ क्या हुआ? रॉन्ग है, सिंटेक्स रॉन्ग है, सिंटेक्स रॉन्ग है, एक मिनट कहाँ पे रॉन्ग है? सिलेक्ट मैक्स एस ए एल ए आई वाई सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर, यस इरशाद कहाँ पे रहोगे बेटा बताओ मुझे, वेयर सैलरी नॉट इन इन दैट बाय, यहाँ पे क्या लिखूं? सिलेक्ट मैक्स सिलेक्ट, ओके हाँ मैक्स
salary from worker. From worker. Okay. Sorry, bracket close. Yes. ओके तो क्या आ रहा है 5555 सेम है ओके यस तो जिसका सैलरी सेम है वो तो आ रहा है करेक्ट यस वेरी गुड इरशाद ठीक है गुड मतलब जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वो सैलरी रिटर्न हो रहा है बट अभी उसका सपोज हमको नेम डिस्प्ले करवाना तो हम लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इरशाद यस आंसर करेक्ट है आंसर आ रहा है कि 5555 सैलरी जो है वो सेम है बट नाउ वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉइज हमको वो एम्प्लॉइज का नेम डिस्प्ले करना है तो क्या मॉडिफाई करोगे इसमें यस वेरी गुड इरशाद योर क्वेरी इज करेक्ट ओके आपका क्वेरी करेक्ट आंसर भी आ रहा है कि 555 जो है वो सेम है बट नाउ वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉइज ओके वो एम्प्लॉइज का हमको नेम चाहिए जिनका मतलब 55 तो आ रहा है ठीक है प्लस साथ में उसका हमको नेम भी चाहिए कि ये दोनों का सैलरी 55 है मतलब जो भी है वो तो उसके लिए क्या करोगे इरशाद एंड और अदर स्टूडेंट्स इरशाद ने इतना करके दिया है हमको नाउ अब इसको मॉडिफाई करो कि साथ में हमको नेम्स भी चाहिए अरुण एंड भाग्यश्री ठीक है उसका हमको नेम्स भी चाहिए यस सरप्राइज सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर नहीं वो मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले होगा मैक्सिमम नहीं चाहिए दो का सेम चाहिए ओके सरप्राइज आप हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न होगा मैक्सिमम नहीं करना है जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वो रिटर्न करना है ठीक है सरप्राइज यस इशार आप ट्राई करोगे इसको आपने किया है वेल डन नाउ इसमें अभी हमको नेम्स भी डिस्प्ले करवाना है तो यस अदर स्टूडेंट्स बट ईशर ने जो क्वेरी लिखवाया है ना दैट इज क्वेरी उसने क्या लिखा है सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम वर्कर ओके वर्कर में से मैक्सिमम सैलरी चाहिए ओके तो बट आगे उसने क्या लिखा है वेयर सैलरी नॉट इन कि सैलरी नहीं चाहिए किसमें नहीं चाहिए कि जो मैक्सिमम सैलरी नहीं है वो ओके तो मैक्सिमम सैलरी नहीं है मतलब 56 मैक्सिमम है बट उसने एक्चुअली लॉजिक अपने तरीके से लिखा है बट जो आंसर हमको चाहिए उसके लिए क्वेरी वी कैन नॉट राइट ओके बिकॉज हमको क्या चाहिए जो एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वैसे एम्प्लॉइज वी वांट टू रिटर्न यहाँ पे इशार ने जो क्वेरी लिखा उससे आंसर तो आ रहा है बट जो क्वेरी जो है दैट इज नॉट करेक्ट उसमें उसने किया है ओके उसने अपना लॉजिक लगाया है दैट इज वेरी गुड इशार ठीक है आपने आपका लॉजिक जो लगाया है इट इज वेरी गुड ओके है करेक्ट है बट जो वे जो है उसका वो रॉन्ग है ओके वाई बिकॉज आपने लॉजिक क्या लिखा है सी Not in select maximum salary. Okay, ये try करो इशार बोले ये try करो चलो select another हम लोग try करें select try from worker yes other student please join. Okay, join the discussions. जिसके पास और कोई logic है हम लोग try करेंगे because this is fully प्रैक्टिकली हमको करना है तो यू हैव टू डू सम आंसर्स लॉजिक कुछ ना कुछ तो आंसर आता होगा ना दिमाग में रॉन्ग राइट यस अरुण कोहिनूर यस बट इससे मैक्सिमम डिस्प्ले हो रहा है इरशाद ओके आंसर आ रहा है मैक्सिमम डिस्प्ले हो रहा है हमको क्या चाहिए जो रिकॉर्ड्स जिसका सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स चाहिए मैं लिख रहा हूँ लिख रहे हो ओके यस तब तक और कोई ट्राई करेगा
क्या लिखा हमने, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर, स्टाफ मतलब ऑल दी कॉलम्स, ओके, डिस्प्ले वेयर कि यहाँ पे सैलरी, सैलरी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, बट मैक्सिमम नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए कि जहाँ पे सैलरी सेम होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉइज का सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले करना है, तो थोड़ा और मॉडिफाई करना है इसको इरशाद, बिकॉज अभी मैक्सिमम हो रहा है, हमको यहाँ पे मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमको वैसे चाहिए कि जिनका सैलरी सेम हो वैसे एम्प्लॉइज वी वॉन्ट, ओके। चलो वेरी गुड, इरशाद ने ट्राई किया, गुड इरशाद, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ट्राई कर रहे हो, ओके, नाउ वी विल ट्राई दिस वन, यस। यस सर, क्लास ने बोला है, ओके अरुण, नो प्रॉब्लम, चलो सर क्लास ने दिया है वो हम लोग ट्राई करते हैं, सर क्लास, ठीक है, सर क्लास ने लिखा है सिलेक्ट मैक्स, चेक द स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरा स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज, वर्कर हाँ ये तो इरशाद ने बताया वही है ना, ओके कोई बात नहीं, वेयर सैलरी नॉट इन सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर ना, no we want the name of employee also, okay, हमको name भी चाहिए, okay, चलो और एक ही शायद modify करके दिया है इसको हम लोग try करें, select yes student you can write in your notebook, okay, आप notebook में लिख के भी आप मुझे बता सकते हो, notebook में try करो, ऐसे पढ़ के आपको नहीं मतलब एक करना, जो भी दिमाग में चल रहा है ना उसको नोट डाउन करो, सबसे पहले कोई भी चीज हमारे दिमाग में चलती है उसको नोट डाउन करके देखो, नोट डाउन करो फिर सोचो कि यस ये हमने करेक्ट जाएगा कि नहीं, ठीक है, कोडिंग जो चीज है वो ऐसे ही ऑलवेज होता है, ठीक है, सिलेक्ट नेम मैक्सिमम, नेम मैक्सिमम एज सैलरी फ्रॉम, ओके, कोई भी डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर पाता, ओके, इन द इनिशियल स्टेजेस वी हैव टू राइट एवरीथिंग, कोडिंग है, डिजाइन है, जो भी हमको हर एक नोटबुक में करना पड़ता है तो होता है वो, फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी इन, यस, और चेक करो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, जो भी मगर कुछ रॉन्ग हो रहा है लिखने में, मैं इरशाद ने जो दिया है दैट आई एम राइटिंग, ओके, बट हमारे उसमें वर्क नहीं हो रहा है ना बेटा, ये माइनस, माइनस इज नॉट वर्किंग दिस वर्जन, सिलेक्ट माइनस के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, याद है किसी को, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, सिलेक्ट नेम मैक्सिमम सैलरी एज सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी इन सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज होगा ना, ओके, यस एरर है कुछ तो, यस सम एरर इज देयर, ओके, माइनस तो वर्क नहीं करेगा इन दिस वर्जन में, माइनस वर्क नहीं कर रहा है, ओके ओके चलो छोड़ो, लीव इट, सिद्धि की तारीख ने बोला है सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 56,000, तो ये भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज हमको क्या चाहिए, जिनका सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स वी वांट, ओके, तो अगर हम लोग ये क्वेरी, इफ यू राइट दिस क्वेरी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर, ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 56, तो जिसका सैलरी 56 से ग्रेटर देन है वैसे रिकॉर्ड्स रिटर्न होगा सिंपली, तो हमको ये नहीं चाहिए सिद्धि की तारीख, ओके, वी वॉन्ट ओनली सेम रिकॉर्ड्स, यस सरप्राइज, नाउ आई एम राइटिंग दी क्वेरी, ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ, तो वी विल राइट दिस वन, ओके, ये क्वेरी हम लोग लिख रहे हैं, सिलेक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स, ओके, डब्ल्यू डॉट वर्कर आई डी, डब्ल्यू डॉट फर्स्ट नेम, डब्ल्यू डॉट सैलरी, मतलब जो जो भी हमको रिकॉर्ड चाहिए उस कॉलम से उसका जिस नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम वर्कर
के टेबल में से मतलब वर्कर टेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया W, वही वर्कर टेबल का हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया W1, ओके दिस इज जस्ट ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, वेयर W.salary इक्वल्स टू W1.salary, मतलब एक ही टेबल का हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो दोनों ऑब्जेक्ट का अगर सैलरी सेम है वैसे रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले करना, तो उन्होंने ये लॉजिक लिखा है W.salary इक्वल्स टू W1.salary एंड व्हाट इज W1 W1 बोथ आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टेबल, ओके, एंड W.worker ID is not equals to W1.worker ID, दोनों का worker ID भी सेम नहीं होना चाहिए, तो हमने ये कंडीशन नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा कि एक ही रिकॉर्ड जो है वो टू टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, तो हम लोग ये ट्राई करेंगे, चलो सिलेक्ट W.fname, ठीक है, जो भी हमको चाहिए f name ले लेते हैं, W.salary ले लेते हैं, ओके, बस टू कॉलम्स बहुत हो गया, ओके, फ्रॉम वर्कर W, कॉमा वर्कर, उसका सेकंड ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ओके, वेर, ओके, W.salary इक्वल्स टू W1 जो सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया .salary, ओके, सेम होना चाहिए एंड दोनों का जो आईडी है ओके वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आईडी सेम हो गया एक दोनों ऑब्जेक्ट का तो फिर वो क्या होगा टू टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, तो इज नॉट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, W dot उसका ID, WID, okay, is not equals to W1, मतलब वही टेबल का दूसरा ऑब्जेक्ट, ओके, उसका WID सेम नहीं होना चाहिए, ओके, आ गया, now this is correct, yes, now I am explaining this, क्या किया हमने, एक हमको क्या चाहिए, एक ही टेबल में से चाहिए, we want the data from one table only. तो वन टेबल मतलब एक ही टेबल हमारे पास है वर्कर टेबल, तो वो टेबल में से हमको क्या रिकॉर्ड्स चाहिए, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स वी वांट टू डिस्प्ले, कि जिनका सैलरी सेम है, ओके, जिनका सैलरी क्या है सेम है, तो जिनका सैलरी सेम उनका हमको चाहिए, तो उसके लिए कोई और टेबल तो है नहीं, एक ही टेबल में करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टेबल, एक ही टेबल का हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने कंपेयर करवाया, ओके, तो कैसे क्रिएट करना है, W जो भी W इज ऑब्जेक्ट का नेम है, तो यू कैन राइट एनी, ऐसे नहीं कि ओनली W लिखना है, यहाँ पे कोई भी नेम दोगे STU या तो जो भी नेम देना है यू कैन राइट, ओके, तो एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया W.fname W.salary फ्रॉम वर्कर का, दिस इज द टेबल नेम, दिस इज ऑब्जेक्ट नेम, कॉमा, दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सेम टेबल का, वेयर के दोनों का सैलरी सेम होना चाहिए, दोनों का सैलरी वी वांट टू सेम, ओके, मतलब जितना भी एम्प्लॉयज उनका सैलरी सेम है इसलिए हमने ऐसे लिखा, ओके, और उसका आईडी भी सेम नहीं होना चाहिए, दो एंड करके टू सेकंड कंडीशन लिखा है कि दोनों का आईडी भी सेम नहीं होना चाहिए, ओके, अगर दोनों का आईडी भी सेम हुआ तो एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, ओके, तो नाउ दिस इज अ करेक्ट वन, तो उसको नोट डाउन करो, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, जिसके पास सिस्टम है प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेरीज, ओके, बाय योरसेल्फ, ओके, तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, जिसके पास सिस्टम नहीं वो नोट डाउन करो, व्हेन सिस्टम विल अवेलेबल यू कैन ट्राई, ओके, इन द नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हमको ये लगेगा करना ही है, तो तभी भी ट्राई कर लेना, बट अभी जिसके पास सिस्टम है तो प्लीज ट्राई करो ऑल द स्टूडेंट्स, यस, ओके, यस स्टूडेंट्स, आपको लगेगा मैम ये टाइम पास करवा रहे, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट टाइम पास, ओके, बिकॉज आप ट्राई करोगे, आप कुछ न्यू ट्राई करोगे तो ये समझ में आएगा ये ऐसे हो रहा है, ओके, व्हेन यू विल ट्राई ना तो यू गेट न्यू आइडिया, ठीक है, कोडिंग जो है लॉजिक जो है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है, कोई भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी करेक्ट आंसर या तो सॉरी करेक्ट क्वेरी या तो करेक्ट प्रोग्राम कोडिंग नहीं कर सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नहीं कर सकता, ओके, यू नीड बी प्रैक्टिस, आपके दिमाग को वो हैबिट होना चाहिए, सोचने का हैबिट होना चाहिए, वो आईटी फील्ड इज लॉजिकल फील्ड, उसको अगर हम लोग बोले तो भी चलेगा, वी हैव टू थिंक न्यू,
कुछ न्यू लॉजिक कुछ ट्राई करना पड़ेगा और वो दिमाग को ऐसा आपको ट्रिक मतलब उसको हैबिट डालना पड़ेगा. ओके आपका जो थिंकिंग पावर है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. देन एंड ओनली देन यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ लॉजिक्स. ओके सिंटैक्स ओनली चेंज होगा. ओके आप पीएचपी यूज करो, .NET यूज करो, सी यूज करो, C++ यूज करो, जावा, विच एवर लैंग्वेज यू विल यूज, बट लॉजिक विल नेवर चेंज. सिंटैक्स चेंज होगा ओनली. हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का एक सिंटैक्स होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का, लूप्स का वगैरह, ठीक है, बट लॉजिक चेंज नहीं होगा. लॉजिक विल नेवर चेंज. ओके तो आपके दिमाग को वो हैबिट डालो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कुछ भी कोडिंग करो, तो दिमाग को हैबिट डालो कुछ न्यू सोचने का, ठीक है, तो ही कर पाओगे. अदरवाइज ऐसे रट्टा मार के इतना हमने ट्राई किया. नाउ यू कैन सी यहाँ पे इशाद ने ट्राई किया, ठीक है, तो एक लेवल तक उसने ट्राई किया तो हमको इतना समझ में आया कि हम लोग ऐसे करके नंबर ऑफ सैलरीज हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, सेम सैलरीज. बट हमको क्या चाहिए था कि वो सैलरी उसका नेम्स भी चाहिए था. ओके यहाँ पे उसने मैक्सिमम करके किया तो यहाँ पे नाउ वी कैन स्टॉप अवर सेल की यस ऐसे अभी नहीं होगा, अभी और उसके लिए न्यू मेथड है, ठीक है. तो ऐसे करने से ही यू कैन इम्प्रूव योर लॉजिक स्टूडेंट प्लीज. ओके चलो ठीक है, जो हमको आता है वो तो आएगा ही, उसमें कुछ न्यू नहीं है, ठीक है, बट जो नहीं आ रहा है उसको ट्राई करना, उससे आपको कुछ न्यू सीखने मिलेगा. ओके तो हमको पता है कि सिलेक्ट से रिटर्न जो रिकॉर्ड से दैट विल बी डिस्प्ले, वेयर कंडीशन से डिस्प्ले होगा. ओके बट उसको अलग अलग तरीके यूज करना दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके चलो कोई बात नहीं. ओके तो यहाँ पे सी क्या क्वेरी है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेरी, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो वन रो ट्वाइस इन रिजल्ट फ्रॉम अ टेबल. ओके क्या बोला है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो वन रो ट्वाइस. ओके वन रो ट्वाइस, एक रो दो बार डिस्प्ले होना चाहिए. तो वैसे तो हम क्या करेंगे कि जिससे एक रो दो बार होगा, तो दैट फॉर दैट वी हैव द यूनियन ऑल. ओके तो यूनियन ऑल में क्या हो रहा था, जो डुप्लीकेट्स मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स था वो तो हो रहा है, प्लस वो अगर सेकंड टेबल में भी रिपीट हो रहा है तो वो डिस्प्ले होगा. तो यू कैन यूज दी यूनियन ऑल, यू कैन यूज दी यूनियन ऑल. ओके तो ये सब कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूनियन, यूनियन ऑल, ठीक है, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है. चलो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है हमारे उसमें, ठीक है, इंटरसेक्ट जो है दैट इज नॉट रन इन अवर वर्जन, हमारा जो MySQL वर्जन उसमें रन नहीं हो रहा है, ठीक है. छोड़ो चलो. ओके यस दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेरी, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच मतलब रिटर्न करवाना, टू फेच द फर्स्ट 50% रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. 50% बोला है. ओके इसके पहले हमने जो लिमिट वाला किया था उसमें टॉप 10 या तो टॉप n जो भी हमने बोला वो उतना n रिकॉर्ड्स वो डिस्प्ले हो रहा था. यहाँ पे क्या बोला है, 50%. ओके 50% रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, राइट एसक्यूएल क्वेरी to fetch the 50% record from a table. तो उसके लिए क्या query है, select star from worker where worker id less than equals to count जो है उसको divide by 2 कर दिया है. ओके 50%. ओके 50% बोला है तो क्या किया है, जो count से we know कि we can count the number of rows, count is a aggregate function. ओके count is a aggregate function, तो जितना count है उसका 50% बोला है तो divide by 2 करोगे तो 50% हो जाएगा, ठीक है. So you can run this or you can write in your notebook also, ठीक है. Syllabus में नहीं है but we can try, हम लोग कर सकते हैं. तो try करें इसको लिखना है. Okay चलो करते हैं हम लोग. Select star from table, okay where worker id, ये worker id इसलिए लिया है क्योंकि हमको count करना है. Okay हमको क्या करना है, count करना है, ठीक है. चलो run हो रहा है कि नहीं हमारे version में देखते हैं. वर्कर टेबल्स का रिकॉर्ड हम लोग रिटर्न करवा देते हैं. ओके फ्रॉम वर्कर. ओके चलो क्या बोला है, 50% रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले करवाना है. क्या है, 50% रिकॉर्ड्स वी वांट टू डिस्प्ले, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द 50% रिकॉर्ड. तो हमारे टेबल में 5 है तो 5 का 50% कितना हो जाएगा, उतना रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना चाहिए. ओके उतना रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना चाहिए. Select star from worker. Okay, select star from worker where WID, हमारे उसमें WID है,
select count WID from table name. ओके तो 50% मतलब क्या टू रिकॉर्ड्स उसने किया. अभी 5 है तो 5 का हाफ क्या होगा 2.5 होगा, तो 2.5 ऐसे हाफ ऑफ रिकॉर्ड में डिस्प्ले नहीं होगा. तो उन्होंने क्या कर दिया टू रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाया. ठीक है, अगर हम लोग फिक्स और एक वैल्यूज में डालियो तो टेबल में इंसर्ट इनटू वर्कर 6 रिकॉर्ड्स एंटर हो जाएंगे तो 3 रिकॉर्ड्स होना चाहिए. ठीक है, डिस्प्ले इंसर्ट इनटू वर्कर्स वैल्यूज. ओके द फर्स्ट Then, क्या है फर्स्ट नेम. ओके देन लास्ट नेम. ठीक है देन सैलरी देन जॉइनिंग डेट. और क्या है डिपार्टमेंट. ओके इंसर्ट इनटू वर्कर वैल्यूज क्या हो गया शिट. लेट्स प्लीज टेल मी ना कि मैं अपनी यहाँ पे इनवर्टेड कॉट कंप्लीट नहीं किया. चलो अरे यार इसको क्लोज करके अगेन करना पड़ेगा. वेट इसका कोई सॉल्यूशन किसी ने फाइंड किया क्या. एनीवन हैज एनी डिजाइन सॉल्यूशन. इसको एग्जिट कमांड कैसे करना है. चलो दिस क्या हो गया आर डबल ओके. यस ओके लेस देन करना है क्या. ओके यस कोई बात नहीं यूज एसएनजीसी. ओके ऐसे कौन से टेबल में डालना था हमको वर्क करना. ओके वर्कर वैल्यूज 6 नेम अभी एबीसी डाल देते. ओके फर्स्ट नेम लास्ट नेम की क्यूआर डाल दिया. ओके एंड देन सैलरी है देन जॉइनिंग डेट है एंड डिपार्टमेंट है आईटी. ओके ओके चलो नाउ अभी हमको 50% रिकॉर्ड रिटर्न करवाना है. ओके ओके यस इशाद आपके उसमें हो रहा है मेरे उसमें नहीं हो रहा है बेटा उसका. ठीक है चलो अभी हम लोग उसको हाफ हमको रिटर्न करवाना है. ओके 50% रिकॉर्ड 6 है तो 3 अभी हो जाना चाहिए. ओके 3 रिकॉर्ड शुड बी डिस्प्ले सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वर्कर. ओके वेयर डब्ल्यू आई डी select count WID divided by 2 okay from